इंसान को खुश कर पाएंगे नरेंद्र मोदी साहब? हर इंसान को खुश करने की संख्यक जनता को तो कर पाएंगे सर, बहुत हर इंसान की बात करते हैं कर इस देश में, इस देश की बहुसंख्यक आबादी कौन है? वो मजदूर वर्ग है, वो किसान वर्ग है, और उन लोगों को खुश करने के लिए हमारी नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या करा है? 2 मिनट के लिए मैं आपके अभी के अरेस्ट के मुद्दे से भटककर थोड़ा सा आपका समय लेती हूँ। लोग जेल में रहते हैं, उनको कभी जस्टिस नहीं मिल पाया, तो जस्टिस का जो आइडिया है इस लोकतंत्र में वो बहुत ज़्यादा धुंधला पड़ चुका है आज की तारीख में। लोगों को बहुत ही गैर कानूनी, गैर संविधानिक, गैर लोकतांत्रिक तरीके से पकड़ा जा रहा है। डायरेक्ट वे से तो सुप्रीम कोर्ट पे भी आप सवाल उठा रहे हैं? जी हम उठा रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग एक बहुत आम तरीके से एक बात कहते हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और इस देश में जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है, जस्टिस इतना डिले हो चुकी है, लोग सालों सालों से जेल में पड़े हैं। अभी तीसरा सतलवाद की गिरफ्तारी हो या इससे पहले से कई लोग, तो हम लोग तब तक संघर्ष करते रहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिसको आवाज़ उठानी चाहिए, जो 3 इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट का जिसमें इंटरफेयर करना चाहिए और स्टेट को चेक रखना चाहिए, वो काम हमें ऐसा लग नहीं रहा है कि सुप्रीम कोर्ट उतने अच्छे से कर रहा है। इसीलिए लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, लोगों को अपना प्रतिरोध दर्ज कराना पड़ रहा है, जिससे कोई इस बात का संज्ञान ले। और दूसरी बात, दूसरी बात उन्हें भी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, फ्यू लोग कैसे डिसाइड कर देंगे कि जो डेमोक्रेसी का डिमोलिशन हो चुका है, क्योंकि लोग तो कम है, आबादी तो 130 करोड़ की है। 130 करोड़ की आबादी है, बात यह है कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब ये है कि यहाँ पर जनतांत्रिक आवाज़ें, लोगों की आवाज़ें हैं, और अगर कुछ लोगों से शुरुआत नहीं होगी, एक इंसान आवाज़ नहीं उठाएगा, धीरे धीरे लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो इसी तरीके से ये हर तरह की कोई भी आवाज़ हो जो स्टेट को, जो अथॉरिटी को, जो सत्ता को किसी भी तरह के सवाल उठा रही है, उसको चुप कराने का है। हर इंसान को खुश कर पाएंगे नरेंद्र मोदी साहब? हर इंसान को खुश करने की संख्यक जनता को तो कर पाएंगे सर, बहुत हर इंसान की बात करते हैं इस देश में, इस देश की बहुसंख्यक आबादी कौन है? वो मजदूर वर्ग है, वो किसान वर्ग है, और उन लोगों को खुश करने के लिए हमारी नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या करा है? 2 मिनट के लिए मैं आपके अभी के अरेस्ट के मुद्दे से भटककर थोड़ा सा आपका समय लेती हूँ कि चाहे इस देश में ये बुलडोजर पॉलिटिक्स चल रही हो काफ़ी समय से, चाहे इस देश में बेरोजगारी का मुद्दा हो, और ये अलग अलग तरीके से जो बेरोजगार आबादी है, लोगों को इस देश में शिक्षा नहीं है, इस देश में रुक जाइए, इस देश में लोगों को रोजगार नहीं है, जिस देश में लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, उसमें आप बोल रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ बहुसंख्यक आबादी को खुश करने में हम चुनिंदा लोगों को दुखी कर रहे हैं, या फिर इस देश की बहुसंख्यक आबादी भी दुखी है और हम उन्हीं के मुद्दों को उठाते हैं, और जो जो लोग उनके मुद्दों को उठाते हैं, चाहे वो आबादी हो, चाहे वो बुलडोजरों से लोगों के घर तोड़ना हो, या एक्टिविस्टों को, चाहे वो डेमोक्रेटिक आवाज़ों को दबाना हो, कुचलना हो, वो बहुसंख्यक आबादी के साथ नहीं है, वो कुछ चंद पूंजीपतियों के साथ है हमारी सरकार। और वो जनता ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया कि यूपी की जो आबादी है नरेंद्र मोदी के साथ है। कितने प्रतिशत लोगों ने मोदी जी के या बीजेपी सरकार के खिलाफ वोट किया? चलिए आप बताइए, लोग डर रहे हैं क्या? नहीं आप बताइए, चलिए करने वाले लोग तो आ रहे हैं। मेरा एक सेकंड का ये प्रश्न है मेरा कि हम लोगों के ये चलता है फर्स्ट पास द पोस्ट की, चलिए 30% लोगों ने कहा सरकार, 33% लोगों ने कहा कि सरकार बनेगी, मेजोरिटी अगर आ गई तो बनेगी। अब जितने लोगों ने कहा कि सरकार हमें बदलाव चाहिए, वो कौन थे? वो मेजोरिटी थी। हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें जो चंद लोग 40% हों चाहे जो भी हों, उनकी बात सुनी जाती है, पर जो लोग बदलाव मांग रहे हैं, जो 60% लोग बदलाव मांग रहे हैं, उनको क्या मिलता है? उनको यही मिलता है जो ये टोकन दे देते हैं हर थोड़े थोड़े दिनों में। इस साल का बजट देख लीजिए, जिसमें कोई अच्छे बहुसंख्यक लोगों के नई स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, नए हॉस्पिटल खोलने के लिए, नए स्कूल खोलने के लिए बातें नहीं होती हैं। हमारे यहाँ बातें होती हैं तो हवाई बातें होती हैं। क्या है विकल्प, क्या हिंदुस्तान के आवाम? विकल्प ये है कि हम पहले जनता के हित की, जनता की बातें सुने। जनता, अगर नीतियाँ किसके लिए बनती हैं? इस जनता के लिए बन रही हैं। तो अगर हम जनता के खिलाफ जाएंगे और अगर जनता किसी भी नई पॉलिसी का विरोध कर रही है, तो उसको बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है, दबाया जाता है, कुचला जाता है। अभी कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन का एक मुद्दा उठा था, लेबर कोड का मुद्दा उठा था। आप ही बताइए, क्या 8 घंटा काम करने की बात जो है वो अब उतनी मान्य नहीं रही है? अब नया लेबर कोड आ गया है हमारे देश में, कोरोना हो गया है, उसके बावजूद इस देश में कोई नई एक नया अस्पताल ना खोले हो, कुछ बेड ना करें, बस कुछ समय के लिए। शुक्रिया।
आपकी आवाज को दबा दिया जा रहा है, आप लिखे अच्छा कौन? देखिए हम ये लगातार कह रहे हैं कि सरकार लगातार चाहती है दबाना, सरकार चाहती है कि आवाज़ जो है सामने ना आए, लोगों की आवाज़ें, संघर्ष की आवाज़ें सामने ना आए, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी आवाज़ें ना दबी हैं ना दबेंगी।